बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम साजिद मलिक विद द न्यू एपिसोड एम्पावरिंग यूथ विद साजिद मलिक। टुडे आवर टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक करियर डेवलपमेंट। इन द लास्ट एपिसोड हमने डिस्कस किया था सॉफ्ट स्किल्स चैलेंजेस, और उसके बारे में हमने बात की थी कि हमारे स्टूडेंट्स को आम तौर पे किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा करियर क्या और करियर डेवलपमेंट पैथ क्या होता है, और आज की जो एपिसोड है यकीनी तौर पे आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आम तौर पे या तलीमी इदारों में हमारे देखने में ये आया है कि बाकायदा जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट है करियर के हवाले से, वो उस हद तक फ़ाल नहीं है जिस हद तक हम अगर कंपेरिज़न करें वेस्ट के साथ, इतना वो फ़ाल है। एनी हाउ, फिर भी अप टू सम एक्सटेंट हमारे स्टूडेंट उस पर ख़ुद भी कोशिश कर रहे होते हैं। आज के इस एपिसोड में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो हमारे पॉइंट्स होंगे उस सेशन की जो हाइलाइट्स हैं मैं आपको आपसे डिस्कस करता हूँ। करियर डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑफ करियर डेवलपमेंट रोड मैप, एम्प्लॉयबिलिटी वर्सेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, करियर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, बडिंग टेक्निक, कोपिंग स्किल्स, ये हमारे आज की हाइलाइट्स होंगी आज के इस एपिसोड की। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द करियर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स या तो वो अपने तलीमी मामलात अभी सर अंजाम दे रहे हैं या वो इंडस्ट्री में चले गए हैं, क्या वो जानते हैं कि SOPs और JDs क्या हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर तो वो जानते हैं कि SOPs और JDs क्या हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर उन्हें नहीं मालूम तो उन्हें सबसे पहले ये मालूम करना है, ख़ास तौर पे हमारे वो प्रोफेशनल जो जॉब्स कर रहे हैं, कि JDs क्या है और SOPs क्या है। एक मरतबा अगर हमें अपने SOPs का अंदाज़ा हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम अपने आप को उस कंपनी के पेस के साथ मिला के चलते हैं। देखने में ये आया है मुख्तलिफ सेशंस में कि बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल भी जो जॉब्स कर रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल पे जॉब्स कर रहे हैं, इवन देन दे आर अनएबल डायग्नोज के व्हाट द SOPs एंड व्हाट द JDs दे हैव ना। इवन अगर किस कुछ को मालूम भी है तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते कि हमारे अब उन SOPs और उन JDs के पीछे जो स्किल्स चाहिए किसी भी जॉब प्रोफेशनल को, एग्जीक्यूटिव को, हम उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे होते। तो इंतहाई ज़रूरी है कि हम जिस भी जगह जॉब कर रहे हैं, हमारे जो भी SOPs हैं या JDs हैं, उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सेंस ऑफ स्किल्स, इन्वेस्टमेंट इस अंदाज में कि हमारे पास वो सारी स्मार्ट स्किल्स मौजूद हों जो हमें उसमें मावन करें। हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा टॉपिक करियर के हवाले से है, ये करियर क्या है। करियर बेसिकली एक जॉब है, एक प्रोफेशन है, एक वे है, लाइन ऑफ वर्क है और टाइम स्पेंड वर्किंग है। ये करियर बेसिकली ये वो जिंदगी में तरक्की की मनाजिल को तय करने के लिए जो एक रूट इख्तियार किया जाता है, जो हम ऑक्यूपेशन इख्तियार करते हैं, वो हमारा करियर कहलाता है। और करियर के मामले में बदकिस्मती ये है, वी हैव सीन कि हमारे यहाँ एक भीड़ चाल है कि अगर एक घर में एक बच्चा डॉक्टर बन गया तो अब तमाम बच्चों ने डॉक्टर बनना है। मैं ये समझता हूँ कि हम इस अंदाज को भी चेंज करना है और उसमें तब्दील लाने की ज़रूरत है। करियर बेसिकली डेवलपमेंट में 5 चीज़ें ऐसी हैं व्यूअर्स जो इंतहाई ज़रूरी हैं। नंबर एक, असेसिंग सेल्फ, यू हैव टू असेस योरसेल्फ व्हाट द थिंग्स दैट यू हैव एज फॉर द स्ट्रेंथ इज कंसर्न, कि मेरी असेसिंग क्या है। आप पहले आपने एक अपना क्राइटेरिया आप अपना मेंटेन करते हैं कि मेरी पॉजिटिविटीज ये हैं, मेरी ये चीज़ें जो हैं वो मेरी वीकनेसेस हैं, इनको मैंने अपॉर्चुनिटी बनाते हुए स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। फिर आप एक्सप्लोरिंग ऑप्शन आप एक्सप्लोर करते हैं, जस्ट टू डिक आउट योर सेल्फ, आप अपने आप को एक्सपोज और एक्सप्लोर करते हैं। और नंबर थर्ड पे आप उस स्किल्स को डिवेलप करते हैं अपने अंदर, और फिर आप उनको मार्केटिंग सेल्फ, फिर आप जो स्किल्स आपने डेवलप कर ली होती हैं आप उसको मार्केट करते हैं और उसके बाद उसको परफॉर्म करते हैं। ये एक सर्कल है हमारे पास जो स्टार्ट होता है असेसिंग योरसेल्फ, एक्सप्लोरिंग ऑप्शन, डेवलपिंग स्किल्स, मार्केटिंग सेल्फ और परफॉर्मिंग। और अगर इसमें थोड़ा सा इसको अगर हम इस तरीके से देखें कि
स्टार्ट करते हैं योर प्लेस इन मार्केट, कि आपकी क्या प्लेस है मार्केट के अंदर, आपने क्या फोकस किया हुआ अपने गोल के ऊपर कि ये मेरा फोकस है और ये मेरा टारगेट अचीव करना है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्या आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो सारे एनालिसिस टूल्स जो होते हैं क्या हम उनको यूज कर रहे हैं, वैल्यू विजन एक्शन प्लान, ये वो सारे टूल्स हैं बेसिकली जो हमने अप्लाई करने हैं अपने आप को जानने के लिए कि हमारे पास क्या सलाहियतें हैं और उनको हमने कैसे उनको प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करवाना है। और इसमें मुझे एक बात याद आ रही नेपोलियन की कि अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। अगर आपका डेडलाइन नहीं है तो वो फिर गोल आपका ड्रीम है। जब आप फोकस कर लेती हैं और टारगेट रख लेती हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप कोशिश करती हैं तो वो आप उसको असल में मटेरियलाइज कर रहे होते हैं। और उसमें जब आप करियर डेवलपमेंट रोड मैप की बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक आपकी मोटिवेशन कि वाकईतन आप चाह रहे हैं कि आप अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं अपने करियर को। एक आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, आप पहले अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया उसके लिए, फिर इन्वेस्टमेंट आपने सेंस ऑफ स्किल्स की, वो सारी चीज़ें जो कि उस करियर के अचीवमेंट के लिए आपको चाहिए थी आप वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ जस्ट टू बाय थिंग्स, जस्ट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। और फिर डिजायर, आपकी मोटिवेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी डिजायर, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोड मैप है करियर डिवेलपमेंट की। आप मोटिवेट करती हैं, आप उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं इन 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 फेस ऑफ इन स्किल्स, और उसके बाद आपकी डिजायर है। और फिर एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस भी एरिया में जाते हैं, फर्ज कीजिए आपका ताल्लुक सीए फील्ड से, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं या मेडिकल के स्टूडेंट हैं, या फर्ज कीजिए आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं, जहाँ आप जॉब लेना चाह रहे हैं, क्या आपके लिए उसके अगेंस्ट स्किल्स मौजूद हैं जो वहाँ आपको चाहिए? तो इसका बड़ा फुकदान है जो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट को समझने के लिए। इम्प्लॉयबिलिटी सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली है क्या? आपकी कम्युनिकेशन है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका टीम वर्क है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट है, टास्क हैं, टास्क और गोल ओरिएंटेड आपको होना है, आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं अपने आप को, आप टाइम मैनेजमेंट में कितने की बेहतर हैं, आप आईटी फ्रेंडली हैं कि नहीं हैं, और कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हवाले से आप देखते हैं और क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं है। ये वो सारी स्किल्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से जो हमारे किसी एक स्टूडेंट को मालूम होनी चाहिए। और करियर डेवलपमेंट में देखिए आमतौर पे ये चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। हम एक चीज़ यहाँ डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास एक क्राइटेरिया होता हो HOP कि आप थोड़े से इंसेंटिव के लिए, फ़र्ज कीजिए आप मौजूदा जॉब के अंदर अगर 2000 ले रहे हैं, आप थोड़े से इंसेंटिव के लिए 3000 पे जम कर जाएं, तो ये आपका होप है। और एक है स्किप कि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ आप 25 साल से बैठे हुए हैं और मॉनेटरी सेंस के अंदर आप अगर 25,000 कमा रहे थे तो आपको 50 कर दिए तो आप बैठे हुए हैं। एक है जंप, देखिए करियर डिफाइन उस वक्त होता है, आप मॉनेटरी तो आपको फ़ायदा होना ही होना चाहिए, उसके साथ आपकी लर्निंग, यस आपकी रिलेशनिंग। अगर आप कहीं समझते हैं कि आप स्टेगनेंट हैं, आप आगे मूव नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि आपको जंप करना है। बस औकात मेरी बात याद रखिए कि आप जब तक कंफर्ट जोन में रहते हैं आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। वन हैव टू ट्राई टू जंप आउट द कम्फर्ट जोन। देखिए ये भी तीन सर्कल हैं आपका, सबसे पहले होता है एक कम्फर्ट जोन, फिर आपका ग्रोथ जोन और फिर पैनिक जोन। बस औकात हम कम्फर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, हालांकि हमारा जो ग्रोथ जोन है वो इन पैरेलल है, इन द मिडल ऑफ पैनिक जोन और इन कम्फर्ट जोन में पाया जाता है। देखिए हम कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते और बस औकात इतने पैनिक हो जाते हैं कि हम जंप करके बजाय के ग्रोथ जोन में जाएं हम पैनिक जोन में चले जाते हैं, और नुकसान क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हालांकि हमने दरमियान में रहना है, कम्फर्ट जोन, पैनिक जोन और उसके दरमियान हमारा ग्रोथ जोन है, ठीक है ना। और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो फिर सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसके लिए अपने आप कंफर्ट जोन से बाहर प्लेस करें ताकि हम कामयाबियां समेटें। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होती है।
देखिए, जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, तो लिसनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. द मोर गुड एज द लिसनिंग इज कंसर्न, आप उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दे देंगे. आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, ठीक है, आप कितने कर्टियस हैं, आप ट्रस्ट को बिल्ड कर लेते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये वो सारे टूल्स हैं जो कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं. और जब आप अपने ऊपर, याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आप स्टेप इन होते हैं कामयाबी के लिए. यस, ये टू वे ट्रैफिक है, ये टू वे ट्रैफिक है. आप इन्वेस्टमेंट की, आपने मतलूबा स्किल्स को हासिल किया अपने करियर पैथ में, और फिर आप स्टेप इन हुए, और फिर आप कामयाबियां आपको मिलना शुरू हो जाती हैं. और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का नाम ले रहे हैं. सीवी बनाना, इंटरव्यू स्किल, प्रोफेशनल स्किल, ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में शामिल होती हैं. करियर एक्सीलेटर उस वक्त होता है जब आपकी कमिटमेंट आपके फोकस को टारगेट कर रही होती है. द मोर यू कमिटेड एंड द मोर द फोकस यू हैव इन योर माइंड. देखिए, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, आपकी कमिटमेंट और आपका फोकस. कहीं एक तरफ भी आप मामला ख़राब करती हैं तो आपको नुकसान हो जाता है. तो लिहाजा करियर को एक्सेलरेट करने के लिए जहां कमिटमेंट की ज़रूरत है, वहां फोकस की भी बहुत ज़रूरत है. सस्टेनेबिलिटी, हमारे यहां देखने में आता है कि सस्टेनेबिलिटी यानी जॉब रिटेंशन, ठीक है ना, और उसमें अपने आप को सस्टेन करना, ये बड़ा मुश्किल है. देखिए, जब तक आप सस्टेनेबिलिटी को अचीव नहीं करते, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये आपकी इनपुट है, इनपुट है, सस्टेन किया तो फिर आउटपुट है, फिर रिवार्ड है, फिर सक्सेस है, और फिर कामयाबियाँ और बहुत कुछ है. लिहाजा सस्टेनेबिलिटी बड़ी ज़रूरत है. बड़ी टेक्निक्स में बड़ा बड़ी ज़रूरी है, लव योर जॉब, यस, फाइंड मेंटोर, बड़ा ज़रूरी है. हम यहाँ देखते हैं कि हमें अपने मेंटोर की हमारे यहाँ मसला हो जाता है. हम यहाँ वो अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेंटोरशिप के हवाले से हम उसमें मेहनत नहीं कर पा रहे होते. और प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट उस वक्त आती है जब आप अपने जॉब से प्यार करते हैं, अपने कंट्रोल और इमोशन को कंट्रोल करते हैं, मेंटोर को आप फाइंड करते हैं, फिर प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट आपकी आती है. और कोपिंग स्किल क्या है कि आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें, ऑर्गेनाइज करें अपने आप को. आपका हेल्थी लाइफस्टाइल होना चाहिए. एक जो नेगेटिव फीलिंग्स, हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को दबा ही नहीं पाते, हम फौरन उगल देते हैं. यस, सेल्फ मोटिवेशन, टॉलरेंस, गिव अवे, ये सारी वो कोपिंग स्किल्स हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए. याद रखिए, किसी भी फील्ड के इंतखाब के लिए आपके जो कंसर्न आमतौर पर होते हैं, उसमें नंबर एक आपका फाइनेंशियल कंसर्न आता है. आपके बेनिफिट्स क्या हैं, माली फायदे, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ क्या होना चाहिए वो आता है, आपका इंटरेस्ट क्या है वो आता है, और आपका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये वो सारी चीज़ें हैं. लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ, इन सारी चीज़ों के साथ जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, जो चीज़ें इनके साथ वैल्यू ऐड करती हैं, आपकी डिसीजन पावर कितनी अच्छी है, आप कितने मजबूत कुव्वत इरादे का मालिक है, कुव्वत फैसला आपका कितना अच्छा है, क्या आप कन्फ्यूजन में इतने रहते, क्या आप डिप्रेस तो नहीं रहते. जैसे ही आपकी कुव्वत इरादे कम होना शुरू हो जाती है, याद रखिए, आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं. यस, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि हम जिस फील्ड में भी अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम प्रॉपर अपने को तैयार करें, और उसके जो मतलूबा हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके लिए कोशिश करें. उम्मीद है कि आज की ये एपिसोड जो हमने करियर डेवलपमेंट के हवाले से आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है, कुछ हैंडी टूल्स आपको दी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे. इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड के अंदर हम कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस बेसिकली है क्या, कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, इसको चैनलाइज कैसे किया जाता है, कॉन्फिडेंस हासिल करने के तरीके क्या क्या हैं, और कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है आपकी जॉब और आपके प्रोफेशनल ग्रोथ और सक्सेस के लिए, कॉन्फिडेंस की क्या अहमियत है. तो इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद एशियन प्रेयर टीवी. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, और आप वेनसडे को इंशाल्लाह 5 बजे प्रोग्राम ऑन एयर होगा. और अगर आपकी कोई सजेशन हैं तो हमारा अच्छी एड्रेस चल रहा है, आप हमें ज़रूर आपकी सजेशन दीजिए. उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिए. अगले एपिसोड के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी.